इतिहास से ये पता चलता है कि जितने भी लोगों का रिजल्ट आ रहा है, सब ना कभी कुछ ना कुछ दिन उन लोग प्रदर्शन किए तभी रिजल्ट आया। सब आश्वासन, झूठी आश्वासन एक तरह से हम लोगों को बार बार दिया जा रहा है। जैसे जैसे रिजल्ट आएगा वैसे वैसे आपकी नियुक्ति मिलेगी, लेकिन सिर्फ ये आश्वासन ही रहा। हर परीक्षाओं को लेकर इसी तरीके से धरना दिया जाता है और सरकार जो है ना उसके बाद रिजल्ट पब्लिश करती है। हमको आश्वासन पर जिंदा रखा जा रहा है। जिनका अंतिम परीक्षा फल यानी मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया है, क्वालिफाई होने के बावजूद आज तक मुझे जो ना ऐसा लगा कि प्रताड़ित किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस स्कोप। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजभवन के समक्ष, जहाँ JSSC के द्वारा आयोजित PGT एग्जाम में कुछ सफल कैंडिडेट अपनी फाइनल मेरिट लिस्ट की मांग को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं। आपको इस विषय में यदि बताएं तो JSSC के द्वारा PGT का एग्जाम लिया गया था और इसमें कई अभ्यर्थियों का चयन हुआ और सरकार के द्वारा कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी बांटे गए और कुछ अभ्यर्थी लगातार रिजल्ट की मांग को लेकर, नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर, फाइनल मेरिट लिस्ट की मांग को लेकर लगातार राजभवन के समक्ष धरना दिए। लेकिन इस अभी भी कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो 7 विषय में बाकी बचे जो कैंडिडेट हैं अपनी फाइनल मेरिट लिस्ट की मांग को लेकर राजभवन के समक्ष अभी भी डटे हुए हैं। क्या लग रहा है कि आप लोग की सबसे पहले संख्या कितनी है और कौन से सब्जेक्ट के आप कैंडिडेट? सर, 7 सब्जेक्ट में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, गणित और वाणिज्य और इतिहास, ये 7 सब्जेक्ट के हम लोग लगभग 500 सफल अभ्यर्थी हैं जिनका अंतिम परीक्षा फल यानी मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया है। इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। हम लोग बहुत बार JSSC में जाके गुहार लगाए, वहाँ पर डेट पर डेट दिया जा रहा है, तो हम लोग को अंतिम में लगा कि हम लोग को प्रदर्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतिहास से ये पता चलता है कि जितने भी लोगों का रिजल्ट आ रहा है, सब ना कभी कुछ ना कुछ दिन उन लोग प्रदर्शन किए तभी रिजल्ट आया। तो उससे हम लोग को लगा कि क्यों ना हम लोग भी धरना प्रदर्शन पर बैठे, और 12 तारीख से हम लोग कंटिन्यू बैठे हुए हैं और ये JSSC से हम लोग का अविलंब अथा शीघ्र हम लोग का जो है परीक्षा फल जारी करने का मांग करते हैं हम लोग। आप लोग की संख्या है 500, लगभग 500 सफल अभ्यर्थी हम लोग, 700 7 सब्जेक्ट में जो ये कैंडिडेट हैं इसमें 500 हैं। तो अभी आप कौन सब्जेक्ट के हैं? हम मैथ्स हैं। मैथ्स में आपका रिजल्ट हो गया है? डीवी हुआ? हाँ सर, हो चुका है, सब कुछ हो गया है। अब सिर्फ फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होना है, उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। हाँ, मेरिट लिस्ट के इंतजार में हम लोग हैं। अच्छा, ये देखिए, जैसे कि जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि इतिहास से सीख लेके अब हम लोग भी धरना पे बैठ गए हैं, तो क्या लग रहा है कि धरना तो बहुत प्रकार से होता है, भाई यहाँ आप राजभवन में देखे होंगे अलग अलग प्रकार से लोग सरकार को जगाने की कोशिश करते हैं, अधिकारियों को जगाने की कोशिश करते हैं, आप लोग की भी कुछ ये अलग से करने की विचार है या तो फिर आधिकारिक तौर पर भी कुछ बातचीत हुई है, आश्वासन मिला है? सबसे पहले बाइस स्कोप के माध्यम से मैं सरकार को और आयोग के जो अधिकारी हैं उनको मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं संस्कृत विषय से हूँ सर, और संस्कृत विषय और बाकी 7 विषय को लेकर अभी तक रिजल्ट जो पेंडिंग किया गया है, अभी तक हम लोगों का रिजल्ट जो ना आयोग या सरकार कोई भी हमारी विषय को लेकर कुछ भी तरह से, मतलब आश्वासन, झूठी आश्वासन एक तरह से हम लोगों को बार बार दिया जा रहा है। हम लोगों ने इसको लेकर बाकायदा आयोग के पास भी बहुत बार गए, आयोग ये कहते हैं कि 20-22 दिन में रिजल्ट आपका पब्लिश होगा, लेकिन अभी तक कुछ भी हमारे विषय को लेकर कोई चर्चाएँ नहीं होती है। हम लोगों ने बाकायदा CM के आवास भी गए, CM आवास में OSD उनके OSD अधिकारी से भी मिले, वहाँ भी हम लोगों को कहा गया कि आपके विषय को लेकर हम जो है ना आयोग से बात करेंगे, लेकिन अभी तक वहाँ से भी बात हुई कि नहीं हुई, हम लोगों को लगता है कि कुछ नहीं किया गया है। सर, मैं संस्कृत विषय से हूँ और मैं ऐसे फैमिली से हूँ कि मेरे पास क्या कहें कि कुछ नहीं है। मैंने BHU से पढ़ा, UG PG किया, उसके बाद मैंने झारखंड आकर फिर से BEd किया। BEd करने के बाद सरकार से एक उम्मीद थी कि सही समय पर हमारी नियुक्ति होगी, लेकिन क्वालिफाई होने के बावजूद आज तक मुझे जो ना ऐसा लगा कि प्रताड़ित किया जा रहा है। कोई दिनों तक, कोई महीने तक इंतजार करने के बावजूद भी हमारे रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो रहे। सर, इसी विषय को लेकर मुझे शोक नहीं है यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठने का, लेकिन मुझे लगा कि अभी तक जितने भी झारखंड में कोई भी परीक्षाएँ आयोजित हुई हो, हर विषय को लेकर, हर परीक्षाओं को लेकर इसी तरीके से धरना दिया जाता है और सरकार जो है ना उसके बाद रिजल्ट पब्लिश करती है। तो देखिए, सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है धरना प्रदर्शन के माध्यम से, हाथ में एक विज्ञापन में दोहरी नीति नहीं चलेगी, इस प्रकार के हाथों में तख्तियां लिए लोग यहाँ पे सरकार से गुहार लगा रहे हैं। क्या लग रहा है कि अब तो चुनाव भी नज़दीक आने वाले हैं, आचार संहिता लगेगा, कुछ एग्ज़ाम अभी होने हैं, कुछ फिर पेंडिंग होगा, आप लोग
की जो जो आधिकारिक तौर पे कुछ बातचीत हुई है या तो कुछ अभी तक किन से मिले हैं, कुछ आश्वासन मिला हो? देखिए सर, सचिव जेएसएससी सचिव महोदय से तो 10 बार मिल चुके हैं और कल ही हम लोग इरफान अंसारी सर से मिले थे और दीपिका मैम से मिले। उन दोनों का आश्वासन हम लोग के लिए लगा कि हम लोग के लिए कहीं बेहतर हो। उन्होंने कहा कि आपको लोगों का रिजल्ट यथाशीघ्र जारी किया जाएगा, आप लोग का जो भी मांग है मांगों को यथाशीघ्र पूरा किया जाएगा। और ऐसा ही तो हम लोग को आशा ऐसा लग रहा है सर, क्योंकि ये जो जेएमएम की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, युवाओं की बातों को सुनते हैं। वो खुद कहते हैं कि मैं एक युवा मुख्यमंत्री हूँ, युवाओं का जो भी युवा क्या चाहता है सर, नौकरी रोज़गार चाहता है, तो रोज़गार दें और वो देंगे, ऐसा हमें आशा है कि वो हम लोग के बातों को यथाशीघ्र सुनेंगे और सुन करके हम लोग को रिजल्ट यथाशीघ्र प्रकाशित करवाएंगे और प्रकाशित करके नियुक्ति प्रदान करेंगे, ऐसा हम लोग का आशा है। अच्छा, शिक्षा मंत्री से कुछ बातचीत हुई? जी, शिक्षा मंत्री के पास हम मिले थे और मिलने के पश्चात हम लोग को आश्वासन मात्र मिला कि जैसे जैसे नियुक्तियाँ, जैसे जैसे रिजल्ट आएगा वैसे वैसे आपकी नियुक्ति मिलेगी, लेकिन सिर्फ ये आश्वासन ही रहा, अभी तक कार्य रूप देने का प्रयास नहीं किया गया। आप कौन से सब्जेक्ट? मैं हिस्ट्री से हूँ जितेंद्र। जी जी, जाने के बाद आश्वासन सिर्फ मिला, फिर वहाँ से हम लोग अलॉट करा गए, लेकिन आश्वासन से हम लोग को कहीं जो भी अधिकारी से मिल रहे हैं, मिलने के बाद हमको आश्वासन पर जिंदा रखा जा रहा है। जैसे सी गए वहाँ पर तारीख मिल रहा है, इस महीना में ये इस तारीख को आइए रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी तक कोई इसका परिणाम नहीं आ पाया और एक आश्वासन पर ही हम लोग अभी तक जिंदा रहे। लास्ट अंतोगत लास्ट में हम लोग ये आंदोलन के लिए प्रेरित हुए, क्योंकि अधिकारियों के एक्टिविटी से यही लगा कि हम लोग को एक भूल भुलैया के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, डार्क में रखा जा रहा है, और इसके परिणाम स्वरूप हम लोग एक आंदोलन के रूप में आंदोलन को कार्य रूप देने के लिए हम लोग इस स्थल पर अभी कुछ बैठने के लिए मजबूर हो गए। तो देखिए, जेएसएससी के द्वारा पीजीटी का एग्ज़ाम लिया गया था, पीजीटी का मुद्दा राज्यभर में भी गूंजा, धांधली के आरोप लगे, जांच का विषय इसे बताया गया। इसके साथ ही कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सरकार की ओर से दिए गए, लेकिन कुछ अभ्यर्थी अभी भी ऐसे हैं जो सफल, जिनका रिजल्ट आ चुका है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुके हैं, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट के इंतजार में अभी भी राजभवन के समक्ष लगभग 7 विषय में पास 500 कैंडिडेट अभी भी राजभवन के समक्ष अपनी फाइनल मेरिट लिस्ट की मांग को लेकर धरना पर बैठ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे अहम बात यह हो जाता है कि क्या सरकार इन ये जो 500 कैंडिडेट हैं इनका जल्द से जल्द फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करके इनके हाथों में नियुक्ति पत्र देती है कि नहीं, यह देखना काफ़ी अहम हो जाएगा, क्योंकि लगातार इन्होंने जिस प्रकार से बताया कि पूर्व से चलती आ रही जो कैंडिडेट है उनसे हमने सीख लिया, सीख लेने के बाद यह डिसीजन लिया गया कि हम लोग भी अब धरना करेंगे, धरना के माध्यम से सरकार अधिकारियों को जगाने की कोशिश करेंगे। तो क्या जेएसएससी जागती है कि नहीं, यह काफ़ी अहम हो जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अपने सहयोगी विकास के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ 22 स्कोप, रांची।